नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube Tips 2.0 M में। दोस्तों आजकल YouTube पर SEO का करने का एक नया तरीका आया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा बक्का ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो बक्का ट्रिक। भैया ये ट्रिक तो मैंने पहली बार सुना है और YouTube ने अमेरिका से लाया हुआ है, अमेरिका से ये ट्रिक लाया हुआ है बक्का ट्रिक, बदक्का ट्रिक, जिससे SEO करने पर आपका चैनल तुरंत ग्रो होगा। यार एक मिनट में आपके लाखों सब्सक्राइबर आएंगे कसम से। बक्का ट्रिक भैया, इस बंदे को देखो बक्का ट्रिक बना रहा है और बक्का ट्रिक में आपको SEO करने सिखा रहा है कि अगर आप बक्का ट्रिक से SEO करोगे तो आपका चैनल एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज चलेगा भाई, रॉकेट के तरह चलेगा, जैसे वो नासा रॉकेट उड़ाता है इस तरीके से आपका चैनल भी ग्रो होगा। आप बक्का ट्रिक लगा लो और बक्का ट्रिक से SEO करना सीख लो। भैया नहीं समझे तो इस मैंने स्क्रीनशॉट तो लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों में से किन किन लोगों ने बक्का SEO ट्रिक के बारे में सुना है तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई लोग, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने ये बक्का ट्रिक के बारे में कितने लोगों ने सुना है। भाई मैंने तो पहली बार सुना है। और बक्का ट्रिक होता क्या है यार, ये SEO का कौन सा नया YT स्टूडियो ने लॉन्च कर दिया बक्का ट्रिक, ये बक्का ट्रिक होता क्या है, बक्का है या बकवास ट्रिक है। ठीक है भैया, ऐसे भी यूट्यूबर में अब यूट्यूबर उतर गए हैं यूट्यूब पर जिन्हें बक्का ट्रिक लगता है। भैया औरतों की मार खा रहे, चप्पल जूते झाड़ू से उनकी औरत मार रही है और वो आपको टिप्स दे रहे हैं, आपको टिप्स बता रहे हैं कि यूट्यूब पर SEO करो बक्का ट्रिक से, बक्का ट्रिक से, क्योंकि भैया बक्का ट्रिक बताया तभी तो उनकी औरत ने झाड़ू से मारा, झाड़ू से मारा कि भैया ये SEO करके बक्का ट्रिक है, लोगों को बताओ। अब ये बक्का ट्रिक होता क्या है यार, मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने भी पहली बार समझा। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जिनको पहले से पता हो गया कि अमेरिका में जो YT स्टूडियो में अब बक्का ट्रिक से SEO करने वाले हैं और इस SEO से चैनल एक दिन में ग्रो हो जाएगा। भैया रॉकेट की तरह उड़ेगा, आप भी कर लो बक्का ट्रिक, आपका चैनल भी उड़ने वाला है। बताना भैया ऐसा बक्का ट्रिक लगाना कि ऐसा नहीं करना कि आपका चैनल भैया YouTube ही उड़ा दे YouTube ही उड़ा दे बक्का ट्रिक लगा के। भैया ऐसा भी बक्का ट्रिक मत लगाना कि YouTube आपका चैनल ही उड़ा दे। भैया बक्का ट्रिक सुन लो, और भैया जो बक्का ट्रिक बता रहे हैं और भैया ये नए नए ट्रिक लाने वाले हैं, भैया ये बड़े बड़े यूट्यूबर से फ़ोन पे बात करते रहते हैं, भैया हेलो हाँ भैया मैं तो SEO ट्रिक बताऊंगा, मैं तो ये ट्रिक बताऊंगा। अब पता नहीं यार किसको फ़ोन लगा रहे थे, अपनी मिसेज को लगा रहे हो और वो फ़ोन पे बात करते करते भैया मैं तो SEO बताऊंगा, मैं तो बक्का ट्रिक बताऊंगा, मैं तो बक्का ट्रिक बताऊंगा। भैया ये बक्का ट्रिक बता बता के लोगों को बकवास मत बना देना, बकरा मत बना देना, बकरा मैं करेगा, बकरा मत बना देना। तो भैया कहने का मतलब यही है कि भैया यूट्यूब में एक ऐसे क्रिएटर आए हैं और जो कि बक्का ट्रिक हो गया है, SEO कैसे किया जाता है बक्का ट्रिक के द्वारा SEO करता। भैया मैंने तो आज तक के vidIQ से, TubeBuddy से, गूगल से सर्च करके टैग्स टाइटल वगैरह लगाया है और SEO मैं vidIQ से करता हूँ और बाकी यूट्यूबर भी लगभग 90% यूट्यूबर भी vidIQ और TubeBuddy से अपना जो वीडियो का SEO है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार मैंने बक्का ट्रिक सुना है और बक्का ट्रिक से आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है। भैया का भी चैनल, जिन्होंने बक्का ट्रिक लगाया उनका भी चैनल बहुत जल्दी रॉकेट के जैसे उड़ा है, तो आपका भी चैनल उड़ने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, बक्का ट्रिक लगाने से पहले सोचिए कि कहीं आपका बक्का ट्रिक से, बकवास ट्रिक से आपका चैनल ही YouTube डिलीट ना कर दे। ठीक है, SEO प्रॉपर तरीके से TubeBuddy या फिर vidIQ इससे ही होगा, बाकी अक्का बक्का टिक्का ट्रिक लगाने से नहीं होने वाला। और भैया आप लोगों को बता दूं कि अगर आप SEO करते हो तो बार बार किसी के कहने पे SEO सिस्टम ना बदले, इससे भी आपका चैनल बहुत डाउन होने वाला है, ये मेरी गारंटी। आपको एक ही रेशू पकड़ के चलना है भैया, एक ही, ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ी में चल रहे हो, कभी रस्सी पकड़ के चढ़ गए, कभी सीढ़ी में चढ़ गए, तो ये सब नहीं चलेगा, रस्सी टूट गई गिर जाओगे नीचे मुँह के बल। ठीक है, तो आपको सीढ़ी से चलना है तो सीढ़ी से चलो, रस्सी पकड़ के चढ़ना है तो रस्सी पकड़ के चढ़ो, लेकिन दोनों तीनों का उपयोग मत करो। और आपको प्रॉपर तरीके से SEO करना है तो TubeBuddy से करो या vidIQ से करो, यार बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपको उससे भी नहीं करना है तो आप डायरेक्टली, वैसे तो अगर आपका वीडियो वायरल होने वाला है ना तो आपको किसी SEO की जरूरत नहीं, किसी SEO की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका वीडियो वैसे ही वायरल हो जाएगा, आपको किसी SEO की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, SEO एक ही तरीके से करें। किसी बड़े यूट्यूबर ने बता दिया कि आपको इस प्रकार से SEO करना है और आपने चले उसी प्रकार से अपनी सेटिंग चेंज कर दी, ठीक है, चैनल ग्रो होने वाला था वहीं रुक गया। अब किसी ने बताया कि इस प्रकार से SEO करो, आपने वो सेटिंग चेंज कर दी, आपने फिर SEO चेंज कर दिया। अरे भैया ऐसा नहीं करना है आपको,
आप अपनी बार बार सेटिंग करोगे, YouTube को लगेगा यार ये पागल हो गया है, ये बार बार अपनी सेटिंग कर रहा है, कभी एजुकेशन में, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कभी ब्लॉगिंग में। तो ये सेटिंग आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए आपने जिस नीच पे वीडियो बनाया उसका आपको सेटिंग कर लेना, और सेटिंग को आपको छेड़ना ही नहीं है, आपको वो सेटिंग छेड़ना ही नहीं है। अगर आप वो सेटिंग बार बार छेड़ोगे तो YouTube आपके चैनल को ग्रो तो दूर की बात है, आपका चैनल ही डिलीट कर देगा कि यार ये क्या है बार बार सेटिंग चेंज कर रहा है। तो आपको सेटिंग चेंज नहीं करना है, आप जिस प्रकार से अपने वीडियो का SEO करते हो, जिस प्रकार से आप वीडियो बनाते हो बेस्ट है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपका वीडियो ऑलरेडी वायरल हो जाएगा। और भैया किसी भी ये बक्का वक्का के ट्रिक में नहीं पड़ना है, बरोबर देख लीजिए कौन क्या बता रहा है, पहले अपने दिमाग से सोचो, दिल से सोचो, उसके बाद में आप यूट्यूबर को पहले परखो, उसके बाद ही आप जानो और मैंने क्या बोला है, मैंने ये गलत बोला है सही बोला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल या थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो भैया SEO सही तरीके से करना या बक्का वक्का के तरीके में मत पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।